तो गाइस देख सकते हो कितना बड़ा मतलब यहाँ पे रात मतलब यहाँ पे मछली पकड़ लिया मैंने। तो भाई नमस्कार, जय जगन्नाथ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो है ना यहाँ पे आ चुका हूँ फिशिंग करने के लिए दो बाम्बू के रॉड के साथ। तो लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर फिशिंग किया जा सकता है, क्योंकि इस वाले जो मैं देखा था ना, इस वाले खेत में क्या हुआ ना, पानी घट गया है। ओके, तो यहाँ पे तो फिशिंग नहीं हो सकता, बट यहाँ पे देखते हैं कोई लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पर फिशिंग किया जा सके। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे ना दो तरीके का कांटे को यूज़ किया है। यहाँ पे देख सकते हो दो तरीके का कांटा ही यूज़ किया है, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मछली ने तोड़ दिया था मेरा कांटे को। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ये वाला हुक यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला हुक। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी केंचुए को गूंथ लेते हैं और पका के दूसरे वाले को ट्राई करेंगे। ओके, फिशिंग कर रहा हूँ तो देख सकते हो इस वाले केंचुए से कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से गूंथना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा मछली होता है ना वो मतलब बाटुला में लेती है, फूल केंचुए को ले लेती है वो। देख सकते हो इसको मैंने गूंथ लिया है और इस पे शिकार करने में बहुत ज़्यादा मज़ा तो आता है भाई, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा शिकार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा का सारा रेडी कर दिया। तो यहाँ पे मैं इस वाले को इधर थ्रो करूँगा। तो देख सकते हो मैंने इसको थ्रो कर दिया है, अभी ये थ्रो हो गया। तो अभी दूसरे वाले को भी ओपन कर लेते हैं। तो इस वाले के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कांटा यूज़ किया है। देख सकते हो ये जो कॉमन कांटा यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, देख सकते हो ये वाला कांटा यूज़ किया है मैंने, ये वाला कांटा यहाँ पे देख सकते हो। जगह लोकेशन तो मस्त है, बट यहाँ पे जो है ना फिशिंग का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, क्योंकि भाई थोड़ा सा मतलब बहुत मतलब ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट टाइप का एक जगह है ये। भाई क्या हुआ यार, ये पता नहीं कैसे फंस गया ऐसा। नहीं नहीं इसको थ्रो कर लेता हूँ। हाँ फंस गई। तो यहाँ पे मैंने इसको भी थ्रो कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे इसको भी थ्रो हो गया। तो दोनों का दोनों ठीक ताप लाइन पे बनी गई है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो, देख सकते हो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं हाथ बात धो लेता हूँ, फिर देखूँगा कि वीडियो का। हे भाग गया यार, भाग गया साला यार, लगा नहीं काटा, फंसा नहीं शायद अच्छे से। काटा फंसा नहीं, देख सकते दोस्तों ये काटा फंसा नहीं शायद, लगा दिया शायद कल साले ने, झाड़ दिया शायद किस तरह से लग गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब क्या है, नीचे सरकंडा वगैरह वगैरह है, इस टाइप का घास है। क्या होता है ना, जब भी मछलियाँ लेती है तो कभी कभी घुसा देती है अंदर। तो ठीक है इस बार नहीं आया, तो देखते हैं अगली बार क्या होता है।
मछलियाँ तो बेट तो ले रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सरकंडा बहुत ज़्यादा है नीचे शायद, इसीलिए एक बार जो कैमरा मतलब खिसक गया सडनली, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये अगर मारेगी ना भाई, हाथ बात कुछ भी कर देगी यार, देख सकते हो कितनी बड़ी है। तो बहुत साइज तो अच्छी है इसकी, तो इस बार इसको पकड़ लिया तो देख सकते हो बहुत अच्छी साइज की है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों भाई कितनी बड़ी मतलब मागुर, बहुत मतलब ये जब मारेगी ना भाई किसी की भी हाथ तोड़ देगी एकदम सी। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा मछली हम लोगों ने पकड़ लिया आज, तो बहुत साइज में अच्छी कैसी है, 200 ग्राम तक तो आराम से होगी। तो इसको जैसे आप लोग पकड़ते हो ना, इसका इस जो सींग होता है इसको तोड़ देना, देख सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब अगर ये लग भी जाता है हाथ में ना, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता है। ये वाला जी सबसे ज़्यादा घातक होता है तुम लोगों के लिए। तो इसको मैंने भी तोड़ दिया, इसको भी मैंने तोड़ दिया है अभी अभी, ये मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब इसके मुंह से जो है ना काटा निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसने पूरा, इस बार मैंने थोड़ा सा इसको दिया खाने के लिए, कि देखो गाइस कितनी मतलब अच्छी साइज की है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो साइज, देख सकते हो कितना अच्छा शानदार मछली है यहाँ पे देख सकते हो।